इस रंग के कपड़े पहनने से पैसा आता है और हर खतरा टल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर खतरा टल जाता है और हर खतरा टल ही जाता है। ये ऐसा लकी कलर हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। काले और सफ़ेद वस्त्रों का हमारे बुजुर्गों ने निषेध किया है और इनको अशुभ कलर की संज्ञा दी गई है। आप देखिएगा कि किसी भी चक्र का कलर ना तो काला है ना सफ़ेद है, लेकिन इसके विपरीत हर रंग का कोई ना कोई कलर है, मतलब हर चक्र का कोई ना कोई कलर है। लाल रंग, ऑरेंज रंग, पर्पल कलर, हरा, नीला, आसमानी, ये इतने चमत्कारी रंग हैं जो इंद्रधनुष के सात रंग भी कहे जाते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी, यह किसी न किसी चक्र का कलर है। और आप राशि अनुसार कपड़े पहनते हैं, ये बहुत गलत है। राशि अनुसार दिन के हिसाब से तो कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए, बल्कि फ़ायदे को देखते हुए आपको इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ भी दुरुस्त रहेगी और आपके जीवन में गरीबी भी नहीं आएगी और फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। तो कैसे आपको रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, राशि अनुसार कपड़े पहने या ना पहने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हर किसी के मनोमस्तिष्क में आता है। तो आज इसी का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज आपको रंग के बारे में बताते हैं। कुछ रंग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं माने गए हैं और बड़े बूढ़े इसका निषेध करते हैं। काला, सिलेटी, इन रंगों का विशेष रूप से निषेध करते हैं। नीले रंग का भी कुछ बुजुर्ग लोग निषेध करते हैं। मित्रों, रंगों का संबंध मानव शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर किसी रंग की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो तरह तरह की प्रॉब्लम जीवन में आती है। रंग की पूर्ति का ये नियम है, उस रंग के फल खाना चालू कर दीजिए, उस रंग का पर्स लेना चालू कर दीजिए, उस रंग का वस्त्र पहनना चालू कर दीजिए, तो आपका शरीर स्वस्थ और दुरुस्त बना रहता है। अब लाल रंग की बात करें तो ये दुर्घटना से बचाव करता है और खतरे को टालता है। लाल रंग ताकत का कलर है, ताकत के साथ साथ ये धैर्य का भी प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि लाल रंग के कारण लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो जाता है, ये सही भी है, लेकिन हर किसी को लाल रंग नुकसान नहीं पहुंचाता है। और लाल रंग का खास नियम है, ये फ़ायदा देता है, पैसा देता है, क्योंकि ये मूलाधर चक्र का भी कलर लाल है जो आपकी बॉडी में अवस्थित होता है। तो मूलाधर चक्र को सक्रिय करने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए लाल कलर के आउटफिट आपको पहनने ही चाहिए, भले ही आप मंगलिक हो या ना हो। लाल रंग ऐसा कलर है जो आपको पैसे वाला बनाता है। पूरे संसार में इसका इतनी इम्पोर्टेंस है जिसकी कोई हद ही नहीं है। शरीर में लाल रंग की अगर कमी हो जाती है तो तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जैसे मानसिक रोग, दृष्टि का कमज़ोर होना, एनीमिक होना, सिरदर्द होना। तो आपको लाल रंग की एनर्जी को लेना चाहिए अपने जीवन में। और सर्दियों में लाल रंग के कपड़े गर्मी भी देते हैं, तो उसको आपको वियर करना चाहिए। लेकिन लाल रंग की अधिकता भी नुकसानदायक होती है, जैसे आँखों की बीमारी, जलन, फोड़ा इत्यादि भी हो सकते हैं। तो लाल रंग का नियमित रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी कभी आपको करना चाहिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहे लाल रंग का। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कौन सा रंग आपके लिए सबसे शुभ होता है। नारंगी रंग दूसरा रंग है। नारंगी रंग यह विवाह के देवता का रंग है। शादी के समय भारत में केसरिया या नारंगी रंग के कपड़े कई कई जगह पहने जाते हैं। ऑरेंज कलर उच्च अभिलाषा का प्रतीक है और सक्रियता देता है, शरीर में जान डाल देता है, जीवनी शक्ति से भरपूर होता है। बहस से दूर रहते हैं, अगर जिनको नारंगी रंग पसंद होता है तो बहस से दूर होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। नारंगी रंग ठंडा होता है, तो इसको कष्ट निवारण में बहुत फ़ायदा करता है।
जैसे हृदय रोग से आपको निजात दिलाता है। नारंगी रंग की कमी से बुखार, कफ, खांसी, जुकाम इत्यादि होते हैं। सीधी सी बात है, जिस रंग की आपको कमी महसूस हो रही है और जिस रोग ने आपको घेर रखा है, तो उससे संबंधित कलर पहनना चालू कर दीजिए, या उस रंग के रुमाल या फ्रूट खाना चालू कर दीजिए। रुमाल खाना नहीं है, मतलब रुमाल रखना चालू कर दीजिए और फ्रूट खाना चालू कर दीजिए, तो सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा रंग है पीला रंग। आप गुरु को बैलेंस करने के लिए, बृहस्पति को बैलेंस करने के लिए पीला रंग पहनते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता यह है कि ये दिमाग का द्योतक है और सुखी वैवाहिक जीवन देता है और पैसा ही पैसा आपको देता है। इस रंग की कमी से व्यक्ति को तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, बेसिकली हीन भावना आती है जिस मनुष्य को पीले रंग की कमी हो जाती है। और इसकी कमी से, पीले रंग की कमी से पेट दर्द, किडनी में दर्द, रक्त विकार, पीलिया, प्लूरिसी, निराशा आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे निजात पाने के लिए आपको पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, आपको फ़ायदा होता है। हरा रंग यह वसंत ऋतु का प्रतीक है और नए जीवन को प्रदान करता है। ये आशावादी रंग है। इससे प्रभावित जो लोग हरे रंग को पसंद करते हैं, वो लोग जीवन में कुछ नयापन चाहते हैं, मेहनती होते हैं, तरक्की की ताक में रहते हैं और पा भी जाते हैं उसको। हरा रंग आगे बढ़ो ऐसा संकेत आपको देता है। हरे रंग की कमी से शरीर में गैस, दस्त, पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। हरा रंग बुद्धि, व्यापार, चतुरता को बढ़ावा देता है, तो हरे रंग को आपको किसी न किसी रूप में काम लेना चाहिए। हरे रंग का फ्रूट खाएं या सब्जियां हरे रंग की खाएं, आपको फ़ायदा होगा। आसमानी रंग ये शांति और दया का प्रतीक है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये ठंडा रंग है। अगर आपके बेडरूम का रंग आसमानी होता है या आसमानी रंग की बेडशीट आप बिछाते हैं, तो आपको अच्छी नींद आती है। आसमानी रंग की कमी की वजह से कई दिक्कतें हो जाती हैं, गले का रोग, टाइफाइड, हैजा, प्लेग, हिस्टीरिया, पीलिया, दस्त, दांतों में दर्द, टॉन्सिल्स आदि हो जाते हैं। तो इस रंग की कमी को दूर करने के लिए इस रंग को आपको वियर करना चाहिए। इस रंग का कड़ा पहने, इस रंग का रुमाल अपने पास रखें, पर्दे इस रंग के अपने घर में लगाएं, तो आपको फ़ायदा होता है। अगला रंग है नीला रंग। गुप्तांगों में तकलीफ है, इस रंग की कमी दर्शाती है। नपुंसकता, मधुमेह, फीमेल बीमारियां, चर्म रोग और प्रजनन अंगों की बीमारियां इस रंग की कमी से हो जाती है। जो लोग नीला रंग पसंद करते हैं, वो म्यूज़िक और आर्ट में विशेष रुचि रखते हैं। ऐसे जातक शांति प्रिय होते हैं, मित्रता उनको पसंद होती है, सामाजिक होते हैं। तो आपको नीले रंग का प्रयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए। बैंगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति मेहनती होते हैं, धैर्यपूर्वक काम करने वाले होते हैं, आत्मनियंत्रण में रहते हैं। ये ठंडा रंग है, अतः इस व्यक्ति को ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं। ये रंग आध्यात्मिकता का भी रंग है। इस रंग की कमी के कारण शरीर में लकवा, बहरापन, साइटिक, जोड़ों का दर्द, पागलपन, मिर्गी, उल्टी, सिरदर्द आदि हो जाते हैं। इनके निवारण के लिए आप बैंगनी कलर का फ्रूट खाएं या सब्जी खाएं, तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आप बैंगनी रंग का कटेला भी पहनते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी न किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर ही आप रत्न धारण करें, तो आपको फ़ायदा होता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उस तरह के रंग पहनना चालू कर दीजिए, या उस तरह का रुमाल हमेशा अपने पर्स में रखना चालू कर दीजिए, या उस रंग की ज्वेलरी या उस रंग के पुष्प अपने आसपास रखिए। वो रंग आपके आसपास होना चाहिए, जिससे आपको उन सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, आप चाहें तो उस रंग की बिंदी भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव